नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कला संवाद में। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। कहते हैं कि कला संस्कृति की वाहिका होती है, और अगर बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में से एक है भारतीय शास्त्रीय संगीत। और आज कला संवाद में हमारे साथ जुड़ रही हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ एक प्रतिष्ठित नाम, शोभा चौधरी। बंदिश और स्वर के बीच सुमधुर लयकारी, शास्त्रीय संगीत का अविस्मरणीय ताना बाना बुनती, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित मशहूर गायिका शोभा चौधरी। महाराष्ट्र में जन्मी शोभा चौधरी के माता पिता की संगीत में विशेष रुचि थी। माता पिता की रुचि ने उनके बाल मन को प्रभावित किया, और तभी से ही भारतीय संगीत की स्वर लहरी उनके मन में बस गई। परिवार के प्रोत्साहन पर उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। बचपन में ही अपने भक्ति संगीत के सुर से छोटी छोटी महफिलों को सजाने लगी। बाद में वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित हो गईं और संगीत विशारद किया। शादी के बाद इंदौर में भी उन्होंने अपनी संगीत साधना जारी रखी। श्री माधवराव जोशी, ग्वालियर घराने के पंडित वामन राव राजुरकर और पंडित बाला साहब पूंछवाले से भी उन्होंने ख्याल गायकी के गुरु सीखे, तो पद्मभूषण पंडित सी आर व्यास और विदुषी गिरिजा देवी ने उनके शास्त्रीय गायन को तराशा। प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकार शोभा चौधरी 20 वर्ष से अधिक समय से अनेक प्रतिष्ठित मंचों की शोभा रही हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिषद की नामित कलाकार होने के साथ ही वो आकाशवाणी की बी हाई ग्रेड कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए शोभा चौधरी को गान विदुषी और उस्ताद अमीर खां संगीत सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। वर्तमान में ये मशहूर कलाकार भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में भी शामिल हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कला संवाद के स्टूडियो में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। बचपन से ही, यानी कि जब आपकी उम्र शायद 9 साल की रही होगी, तब से आपने संगीत सीखना शुरू किया, तो वो माता जी के भजन सुन सुन के या फिर पिताजी की मधुर बांसुरी सुन के आपके बाल मन पर प्रभाव पड़ा, जो आप संगीत की ओर आकृष्ट हुई। बचपन में ही संगीत के प्रति रुझान था मेरा। मम्मी छोटे छोटे गीत भजन गाकर हमें सिखाया करती थी जी। पिताजी भी बांसुरी बजाते थे शौकिया, और मैं जिस कैंपस में रहती थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा, उस कैंपस में अनेक प्रांतों से हिंदी सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते थे जी। उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला वहाँ बना रहता था, और हिंदी साहित्य के कैंपस में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पर अनेक साहित्यकारों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। उस हॉल में हमेशा उस साहित्यकारों के ऊपर चर्चा, उनके साहित्यकारों की कवियों पर कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हुआ करते थे। तो ये पूरा ही एटमॉस्फेयर जो था, वो एटमॉस्फेयर मुझे संगीत में मिला, और उस कारण मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे इस तरह मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो कहीं ऐसे ही कार्यक्रम में संगीत के सुर सारे गमों पर कान पर आए, और मैंने मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, पिताजी से पूछा कि ये क्या है, ये कैसा है। तो उन्होंने तब समझाया कि ये शास्त्रीय संगीत के बेसिक सुर हैं, और जब तक इसका अभ्यास ना हो, कुछ भी गाना गाना प्रॉपर गाना संभव नहीं है। तब आपने निर्णय लिया कि आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती हैं। हाँ, मैं सीखना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर आसपास ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा कुछ कालांतर से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा के कैंपस में ही एक गायन स्कूल शुरू हुई, और वो मैडम थी सिंधु नामजोशी, इन्होंने शुरुआत की। अब उन्होंने बच्चों को साथ साथ पकड़ना भी शुरू किया कि आइए मैं गाना सिखाती हूँ, और
ऐसे ही मेरे पास भी उनका मैसेज आया कि मैं गाना सिखाना चाहती हूँ, मैं तो चाह ही रही थी, तो बस उनकी क्लासेस अटेंड की और 3-4 परीक्षाएं दी गांधर्व महाविद्यालय की। उसके बाद उनके मिस्टर का ट्रांसफ़र हुआ तो मैं और किसी गुरु के पास चली गई, वो विमला देसाई जी थी, उनसे सीखा। और मैं करीब संगीत विशारद BSc सेकेंड ईयर में थी, तब तक मैंने वो संगीत विशारद मैंने किया उनके अंडर। आपने बताया BSc सेकेंड ईयर, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपने मैथ से BSc किया है जी, और BEd भी किया है जी। तो संगीत से जुड़ने के बाद भी, संगीत में जाने के बाद भी, उसके बाद भी आपने गणित को चुना और धीरे धीरे बाद में संगीत की ओर रुख किया, तो क्या पहले आपको विश्वास नहीं था या फिर पैशन में कहीं कमी थी? नहीं, एक तो मार्गदर्शन नहीं था प्रॉपर। संगीत सीखने के लिए बाकी सारी विधाओं की इतनी ज़रूरत नहीं है। आज संगीत में BA होते हैं, MA होते हैं, आज संगीत सब दूर फैला हुआ है शास्त्रीय संगीत का, और बताने वाले भी हैं। उस समय मैं इतनी छोटी थी कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि संगीत में MA भी हुआ होता है, संगीत में BA होता है। मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है शोभा जी आपके बारे में कि जब आपने संगीत सीखने की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं आपके मन में था कि रेडियो पर आना है, और इसी वजह से उस संगीत से जुड़े हुए सफ़र की शुरुआत हुई। छोटी थी, क्लासेस में जाती थी, घर पर आने के बाद मैं अभ्यास करती थी, रियाज करती थी। तो एक दिन ऐसे ही छोटी सी हारमोनियम लेकर रियाज कर रही हूँ, उस समय जो भी मैंने गाया था विलंबित ख्याल राग भूपाली का, मैं रियाज कर रही हूँ, जब हूँ जानी, पापा बोले ये संगीत सीख रही है पर ये जो कर रही है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये, क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तब मैंने कहा कि पापा एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेडियो पर गाऊं, और वो सपना मेरा बाद में पूरा हुआ। तो कुछ ऐसा आपके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ कोई बंदिश और कुछ ऐसा राग जो आप गाना चाहें, गुनगुनाना चाहें? जब मैं बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब ये मैं बचपन में कैसा गाती थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसी बंदिश को बाद में मुझे पंडित सीआर व्यास जी ने अच्छा तराश के दिया। एक साधक को भी अपने आप को तराशने की ज़रूरत होती है, और आपको तो बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य मिला, बात करेंगे उनकी भी जिन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कला संवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कला संवाद में। कला संवाद में आज हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिष्ठित कलाकार शोभा चौधरी। शोभा जी, एक बार फिर से इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको बहुत से गुरुओं का सानिध्य मिला, जिसमें पद्म भूषण CR व्यास जी का भी सानिध्य था, और साथ ही साथ आपको ठुमरी की रानी कही जाने वाली विदुषी गिरिजा देवी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो उनके बारे में बताएं कि आपकी उस शिक्षा से जुड़े हुए संगीत की दीक्षा कैसे मिली और क्या कुछ यादें उससे जुड़ी हुई हैं। मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु से सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इंदौर आने के बाद माधुरा जोशी जी, ग्वालियर घराने के पंडित वामनराव राजुरकर, इनसे मैं सीखती रही। और पंडित वामनराव राजुरकर ग्वालियर घराने के गायक होने के कारण मुझे ग्वालियर गायकी क्या होती है, घरानेदार गायकी क्या होती है, वहाँ मेरा पहली बार परिचय हुआ।
और इस ग्वालियर घराने में विस्तृत अंग के राग उन्होंने मुझे बड़े, जिसको हम समझते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंशन की संभावना है, ऐसे उन्होंने मुझे राग सिखाए। सबसे पहले राग यमन, उसके बाद राग तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, और मैं उसका उस समय रियाज करती रही। तो कुछ ऐसा ही जो ग्वालियर घराने की लोकप्रिय बंदिश हो, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ एक ऐसी बंदिश कला संवाद में आपकी ओर से। उन्होंने मुझे राग मियाँ मल्हार की एक पारंपरिक बंदिश सिखाई है और मैं वही आपके सामने गाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर। शोभा जी, आपने राग मियाँ मल्हार में इतनी खूबसूरत प्रस्तुति दी है, और जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, ठुमरी की देवी कहलाती हैं विदुषी गिरजा देवी, उनसे भी आपने सीखा है, पद्म भूषण रही थी वो, उनके द्वारा सीखी गई कोई ऐसी ठुमरी जो आज भी आपको याद हो और आप आज भी आपके जहन में बसती हो, वो ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, मैं विदुषी गिरजा देवी जी के पास अभी अभी जाने लगी हूँ। अभी जनवरी से ही जाना मैंने शुरू किया है, लेकिन उसके पहले मैं करीब 9-10 साल पंडित सियालवा जी से सीखी। वो मुंबई में रहते थे और मैं इंदौर से मुंबई जाकर उनके पास रहती थी, सीखती थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा जो मटेरियल दिया है, बहुत सारी बंदिशें दी हैं, उनकी अनेक घरानेदार बंदिशें अनेक लोगों की भी सिखाई। वो तो मैं बंदिशें गाती हूँ, परफॉर्मेंस देती हूँ। कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ठुमरी मैं सुन सुन के गा रही हूँ, लेकिन प्रॉपर उसका मुझे शिक्षा उसकी भी मिलनी चाहिए। तो मैं आपा जी के पास गई। आपा जी ने मुझे बड़े प्रेम से, 7 दिन मैं उनके पास रही, 7 दिन में इतनी सारी बंदिशें उन्होंने सिखाई कि उसका ही अब अभ्यास मैं कई दिन तक करती रहूं तो भी मेरे लिए समय कम है। और दो एक बार ही मैं आपा जी से मिली, उन्होंने जो पहली मुझे ठुमरी सिखाई वो बंदिश में, वो ठुमरी मैं आपको गाकर बताती हूँ। ढाड़े रे
बार के गगरिए के शाम की कलाओं को कहती हुई ये मीठी सी ठुमरी जो आपने सुनाई, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी, हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन फिलहाल शोभा जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत सारी बातें बाकी हैं लेकिन उन्हें करेंगे, जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कला संवाद में अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। कला संवाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कला संवाद में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शोभा चौधरी, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक कला साधिका हैं। शोभा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि कैसे संगीत के जरिए रोग चिकित्सा की जा सकती है। आपने इस विषय पर शोध भी किया है, तो बताएं कि म्यूज़िक थेरेपी आखिरकार क्या है। म्यूज़िक थेरेपी का अभ्यास मैंने एमफिल के दौरान किया था, और उस समय मुझे उसमें दिलचस्पी हुई और मुझे लगा कि इसको और अभ्यास में लेना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, थोड़ा उसका अभ्यास करते करते, अस्थमा के रोगों के लिए मुझे लगा कि जो मेरे दिमाग में आया था जी, उसके प्रयोग करके देखना चाहिए। और अस्थमा का रोग श्वास का रोग है, श्वास की नलियां सिकुड़ने का रोग है, जिसमें से एयर श्वास के साथ जो एयर अंदर आती बाहर जाती वो पास होने में दिक्कत जाती है और इसलिए तकलीफ होती है। तो क्या किया जाए? मुझे लगा कि एक तो सांस की लेंथ बढ़ने के लिए ओंकार साधना से बेहतर और कोई विकल्प नहीं, और ओंकार साधना करने के बाद सांस की लेंथ बहुत देर के बाद बढ़ेगी, लेकिन रिदमिक अटैक अगर श्वास नली पर किया तो थोड़ा उसका उसकी लेंथ जो है वो बढ़ सकती है, और फिर स्वर के और अलंकार के सहायता से अलंकार को रिदम में गाकर उसको हैमरिंग कर करके उसकी लेंथ बढ़ी जा सकती है। ये दिमाग में आने के बाद प्रयोग किए, तो दो मेरी केस स्टडी मैंने की, जिसमें एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उनको बहुत ज़्यादा अस्थमा था, मुझे भी कोई कॉन्फिडेंस तो था नहीं क्योंकि मालूम नहीं प्रयोग ही है, लेकिन मैंने उनको कहा कि एक श्वासोश्वास की मशीन आती है, आप उसके साथ साथ थोड़ा अपना श्वासोश्वास कीजिए और थोड़ी श्वास की लेंथ बढ़ाइए। वो बोले ये क्या होता है, ये सब फालतू है वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है, आप ट्राई तो कीजिए। और किसी के थ्रू गई थी, उनका एकदम निगेटिव अप्रोच था, तो मुझे बहुत देर लगी वहाँ पर, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं उनकी ट्रीटमेंट करूं, किसी ने भेजा इसलिए प्रेशराइज होके चुप बैठे थे। और मैंने वहाँ पर वो श्वासोश्वास की मशीन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की मशीन, तो उनको लगा कि ये क्या होता है, कुछ भी नहीं था, वो एक सुरपेटी थी, और सुरपेटी देखी नहीं थी उन्होंने। मैंने कहा ये सुर चल रहा है, इसके साथ साथ जब तक सुर आप चल रहा है कंटिन्यूटी, और आप इसके साथ साथ अगर सांस को रोक पाते हैं जितनी देर भी, पहले कम होगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, प्रयोग करने में तो कोई ये नहीं कोई है, तो बुराई नहीं है। तो इन्होंने वो किया, वो निगेटिव अप्रोच में को पॉजिटिव लाने में करीब मुझे एक महीना चला गया, एक महीने में। लेकिन जब उनका पॉजिटिव अप्रोच हुआ कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, 22 सेकंड तक उनकी सांस की लेंथ बढ़ी, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी एकदम अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ हो तो सुर के पेटी के साथ ओंकार साधना और अलंकार के साथ रिदमिक एक्सरसाइज अगर की तो हो सकता है थोड़ा रिलीफ मिले। म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा आपने देखा कि लोगों को भी लाभ हो सकता है, आपके प्रयोगों के आधार पर ये बात आपने सिद्ध कर दी। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि
ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, विशाल है, और साथ ही साथ आपकी जो संगीत साधना है, जो आपकी संगीत यात्रा है, जो सफरनामा है, वो बहुत विशाल है। उसको कम से कम समय में समेट पाना थोड़ा मुश्किल सा मुश्किल लगता है। है। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो युवा जुड़े हुए हैं, जी जो संगीत को सीख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं और उनके लिए आप क्या कुछ खास कर रही हैं जिससे कि वो भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा से पूरी तरह से जुड़ जाएं? संगीत सीखने के लिए छोटे बच्चों को, युवाओं को, मैंने हमने एक पंचम दिशा संगीत संस्थान इंदौर में खोला है। जी उसके जरिए मैं उनको शास्त्रीय संगीत का मार्गदर्शन देती हूँ और शास्त्रीय संगीत सिखाकर वो बंदिशें तैयार कर, रागदारी, राग के आलाप ताने वगैरह सारा सिखाकर मैं उनकी प्रोग्राम्स भी करती हूँ। उस प्रोग्राम के जरिए उनको स्टेज मिलता है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इस तरह से एक पीढ़ी, एक पौध मेरे यहाँ अच्छी बड़ी हो रही है। बिल्कुल, हमने ये भी सुना है कि आपके इस संगीत विद्यालय में 7 से लेकर 70 साल के विद्यार्थी संगीत की शिक्षा लेते हैं। बिल्कुल। तो शोभा जी, समय की अपनी सीमा है, तो जी। हम चाहेंगे यहाँ पर जाते जाते आप जी। हमारे दर्शकों को एक बहुत ही मीठी सी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक झलक दिखा जाएं, एक प्रस्तुति देती जाएं, जिससे अच्छा। कि उन्हें अच्छा लगे कला संवाद के साथ जुड़ के। ओके। बहुत खूब, शानदार, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही शोभा जी। जी, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद हमसे थैंक जुड़ने यू के लिए और यहाँ कला संवाद का हिस्सा बनने के लिए। थैंक तो यू। फिलहाल आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और कला संवाद देखने के लिए। इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि कला संवाद आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback-lstv@sansad.nic.in। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।